हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल एनसीईआरटी, और हमने लिया हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1.8 हमने लिया है। इसमें देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिए। दिया टू पॉइंट चार्जेस क्यू ए इज इक्वल टू 3μc, क्यू ए इज इक्वल टू 3μc एंड क्यू बी इज इक्वल टू -3μc, यानी ए पर 3μc और बी पर -3μc है, और इनके बीच की डिस्टेंस कह रहा है 20 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है, ठीक। इन वैक्यूम में है, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि जो हमारी फोर्स लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वो पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में इंटर करती है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन का होगा, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन का होगा। तो इनके और इनके दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एक ही डायरेक्शन होगी, ए से बी की तरफ होगी, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक। पॉइंट ओ पर जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में देखो स्टूडेंट, तो वो कहाँ पे है देखो, ठीक। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की होगी, E इज इक्वल टू E1 + E2 होगी, ठीक। दोनों एक ही डायरेक्शन की हो रही है। अच्छा, अब वैल्यू फार्मूला हमारा होता है 9×10⁻⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9×10⁻⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। आर कितना हुआ? पूरा 20 है तो 10 सेंटीमीटर हुआ, तो आर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हो जाएगा 10⁻⁻¹ मीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो -1 मीटर आ जाएगा, ठीक। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, क्यू की वैल्यू क्यू ए क्यू बी की दोनों निकाल लो स्टूडेंट, और इसमें माइनस आपको नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा इसका। तो ये हो गया 9×10⁻⁹, क्यू की वैल्यू दी है 3×10⁻⁶, ये माइक्रो लिखा है यहाँ इसलिए पावर -6 लगी। आर हो गया 10⁻⁹ का स्क्वायर, ठीक। दूसरा पार्ट भी इतने आएगा, 9×10⁻⁹, 3×10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁹ का स्क्वायर। देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, कि यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ माइनस रख देंगे और कैंसिल कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ से देखो स्टूडेंट, ई की वैल्यू कितनी आई हमारी, E इज इक्वल टू ये हुआ 9×3 = 27 इंटू, यहाँ देखो स्टूडेंट 10⁻⁻², हो जाएगा इसका स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा 11+ का होगा, -6 होगा, तो 10⁻⁵ आ जाएगा, ठीक। वही कंडीशन इधर अपना अप्लाई होगी, प्लस 27×10⁵ ए भी आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो स्टूडेंट, इज इक्वल टू 54×10⁵ न्यूटन पर कूलाम आ गया,
इसको अगर उसमें रखना चाहो स्टूडेंट ऑर्डर में, तो 5.4 इज इक्वल टू 5.4 टेन टू द पावर 6 आ जाएगा। इसकी इतना न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन ओ टू बी है इसकी, ठीक है, ओ टू बी है इसकी डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन लिखी है ये ओ टू बी। अब कह रहा कि इस पॉइंट पर जो चार्ज एक रखा है स्टूडेंट, वो चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू 1.5 टेन टू द पावर माइनस 9 कूलम है। तो अब ये जो चार्ज हमारा आया स्टूडेंट, इस चार्ज को यहाँ पे प्लेस करने पर इस पर फोर्स अप्लाई होगा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो यह बी पार्ट हमारा, ठीक, बी पार्ट में हमारा आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ देखो एफ इस पर कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई आ जाएगा, और डायरेक्शन इधर ही होगी ओ से बी की ओर। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, क्यू कितना है 1.5 टेन टू द पावर माइनस 9 कूलम का ये चार्ज है, जो चार्ज ओ पर प्लेस्ड है, ये चार्ज है, ठीक, ये दिया हुआ है। और E की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है 5.4 इंटू टेन टू द पावर 6, इसका मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 8.1 इंटू टेन टू द पावर, इधर हुआ माइनस 9, इधर प्लस का, तो माइनस का हो गया 3। एफ इज इक्वल टू इतना न्यूटन हो गया, इसकी भी डायरेक्शन उधर ही होगी, ठीक, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको डायरेक्शन बताना चाहिए, डायरेक्शन किधर होगी, ओ टू बी होगी, ओ से बी की ओर होगी। ओके स्टूडेंट।